इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा LDC एग्जाम के लिए CET की 15 गुना की जो लिस्ट है वो कब तक जारी होगी और उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में आपको मैं इस YouTube चैनल पर चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जैसे ही पहले चरण के सातों रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला यूज लिया गया, ये सभी चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो अभी जैसा कि आपको मालूम है फरवरी मंथ में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 10 फॉर्म फिल करवाए गए थे, जिसमें से 5 फॉर्म आपके CET के अंडर थे। कोई CET ग्रेजुएशन में शामिल था तो कोई CET 12th में शामिल था। तो उनमें से 3 एग्जाम के CET की 15 गुना की लिस्ट आ चुकी है, 2 बच गई है। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक की आ चुकी है, प्रवेशक महिला भर्ती परीक्षा की आ चुकी है और छात्रावास अधीक्षक, इन तीनों की CET 15 गुना की लिस्ट आ चुकी है। LDC की और प्रवेशक महिला अधिकारिता की जो 15 गुना की लिस्ट है वो कल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने 2 दिन पहले ही ट्वीट के माध्यम से बताया था कि LDC की 15 गुना की लिस्ट और जो बाकी 4 एग्जाम की लिस्ट है वो आपको 5 और 7 जून को देखने को मिलेगी। तो जैसा कि 5 जून में आपने देखा होगा प्रवेशक महिला भर्ती परीक्षा की लिस्ट जारी की थी और छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक की भी जारी की थी। अब पीछे बच गई LDC और प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती के परीक्षा की जो 15 गुना की लिस्ट है वो आपको कल देखने को मिल सकती है। बाकी की कट ऑफ के तुलना करके मैं आप भी आपको बताने जा रहा हूँ कि LDC की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए जो आपको स्क्रीन पर कट ऑफ दिखाई दे रही है, ये आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा है, उसकी कट ऑफ आज से 4-5 दिन पहले जारी की गई थी, जिसमें लगभग 5500 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया था। तो इन 5500 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया था, तो इसकी कट ऑफ आपको मैं मेन कैटेगरी में बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो जनरल की 203 के करीब गई थी, EWS की भी 203 के करीब गई थी, ये CET ग्रेजुएशन के अंडर एग्जाम है। SC कैटेगरी की और ST की थोड़ी कम गई थी, OBC कैटेगरी की भी 203 के करीब गई थी और MBC कैटेगरी की भी 203 के करीब गई थी। यानी कि इन्हें 5500 स्टूडेंट को शामिल करना था CET ग्रेजुएशन की 15 गुना की लिस्ट में, जिसमें से कट ऑफ है वो 203 के पास गई थी। यानी कि जितने कम स्टूडेंट को शामिल करेंगे उससे ज़्यादा कट ऑफ उसमें ज़्यादा जाएगी और जितने ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे उसमें कट ऑफ कम रहने वाली है। जैसा कि नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये आपकी जो नेक्स्ट कट ऑफ दिखाई दे रही है 220 के करीब, ये आपके छात्रावास अल्पसंख्यक विभाग वाली जो CET 12th लेवल के बेसिक पर है वो भर्ती परीक्षा, जिसमें 112 पद है और इसमें लगभग इन्हें 15 गुना की लिस्ट में 2000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना था, इसलिए इसकी कट ऑफ 220 यानी इतनी हाई गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल की भी 220 के करीब गई थी, EWS कैटेगरी में जनरल की भी 220 के करीब रही थी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की कम रही है, OBC कैटेगरी की भी 220 के करीब रही है और MBC की भी 220 से थोड़ी कम रही है, 219 के करीब। यानी कि ये फिक्स है कि जनरल, EWS, OBC और MBC की कट ऑफ एक जैसी रहने वाली है और इसमें इन्हें 2000 कैंडिडेट को शामिल करना था। अब जो नेक्स्ट आती है वो प्रवेशक महिला भर्ती परीक्षा, ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को ही शामिल करना था, इसलिए इसकी कट ऑफ 185 के करीब गई थी, इसमें इन्हें 3500 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करना था। अगर इसमें सभी कैंडिडेट होते तो ये कट ऑफ 210 के करीब जाती, लेकिन ये भर्ती परीक्षा सिर्फ महिलाओं के लिए, ध्यान रखें प्रवेशक महिला भर्ती परीक्षा और प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा दोनों अलग अलग है। प्रवेशक महिला भर्ती परीक्षा में सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन प्रवेशक महिला अधिकारिता में थोड़ी प्रतिशत छूट भी दे रखी है पुरुषों के लिए। तो चलिए इसमें मैं बात करता हूँ, आप देख सकते हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए, इसलिए इसकी कट ऑफ 185 के करीब रही थी। इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल, EWS, OBC और MBC की थोड़ी कम गई, OBC इन कैटेगरी की कट ऑफ सेम रही है, तो जनरल, EWS और OBC की कट ऑफ सभी कट ऑफ CET की 15 गुना की लिस्ट में सभी में सेम कट ऑफ रह रही है। अब जो मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए हैं उनके रिजल्ट आपके नेक्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा ANM GNM का, जैसा कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया ANM GNM का रिजल्ट नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा और आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उसके जो मार्क्स का फॉर्मूला है वो कौन सा यूज़ लिया गया, ये सब की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सूचना सहायक की बात करें तो पहले सूचना सहायक का आना था, लेकिन उसमें पदों में वृद्धि होगी, उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद ही उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, डेट आ चुकी है, अगस्त के लास्ट वीक में आपको टाइपिंग टेस्ट भी देखने को
मिल सकती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट की, ये आपके सीटी ग्रेजुएशन में शामिल थी। तो आप देख सकते हो इसमें करीबन 90,000 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया था। अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट को शामिल किया गया था इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत कम रही थी। तो आप देख सकते हो इसमें जो कट ऑफ है वो मेन कैटेगरी में 154.48 जनरल की रही थी, EWS की भी 154.48 रही थी, SC कैटेगरी की भी 154.48 रही थी, ST कैटेगरी की थोड़ी कम रही, 153 के करीब रही थी। OBC कैटेगरी की बात करें तो उसकी भी कट ऑफ आप देख सकते हो 154.4838 रही थी, और MBC कैटेगरी की भी कट ऑफ 154.4838 रही थी। यानी कि इसमें आपके लगभग 90,000 अभ्यर्थियों को लेना था इसलिए इसकी कट ऑफ 154 रही थी। ये CET ग्रेजुएशन की थी। अब बात करता हूँ LDC की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक तो LDC भर्ती परीक्षा आपके 4,197 पदों पर आयोजित होने जा रही है, और CET 12th लेवल की है इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है। लेकिन जो अभी तीन एग्जाम की कट ऑफ आई थी उससे तो कम ही रहेगी, यानी कि 200 के पास नहीं जाएगी, 170 के करीब। मेन कैटेगरी है जैसे जनरल, EWS, OBC, MBC, इनकी कट ऑफ 170 के करीब रहने वाली है। जिनका स्कोर 170 के करीब बन रहा है वो अपना सेफ स्कोर समझिए, वो LDC एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि इसमें इन्हें 70,000 कैंडिडेट को शामिल करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि अभी मैंने आपको सभी कट ऑफ दिखाई थी और उसमें कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया ये भी मैंने बताया था, तो उस हिसाब से 170 के करीब इसकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी कल आप जैसे ही आएगी 15 गुना की लिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें से आपने कौन सा एग्जाम दिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी आपको टॉपिक वाइज राजस्थान करंट अफेयर की वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और जैसे ही आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे, एग्जाम आने शुरू हो जाएंगे, आपको RPSC और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लास्ट के 10 सालों में जितने भी राजस्थान GK के क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो ये थी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।